गुड इवनिंग स्टूडेंट्स वेलकम टू एस आर एस आई एस एंड लॉ अकेडमी आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो नोबल प्राइज़ दिया वो, दिया गया है फिजिक्स फ़िजिक्स के फिज़िक्स की फील्ड में 2022 का वो किनको मिला और किस वजह से मिला है तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि आपको जो है किन किन मेन चीज़ें जो है जो जो मेन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं इनको नोबल uh, प्राइज़ uh, वाले जो क्वेश्चन जो होते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं तो बेसिकली या तो आपसे नाम पूछा जाएगा या उनसे पूछा आपसे पूछा जाएगा कि ये वाले जो साइंटिस्ट है उनको किस फील्ड में नोबल प्राइज़ मिला है या फिर आपसे मेन जो चीज़ आपसे जो पूछी जा सकती है कि uh, जो मेन चीज मेन इन्होंने डिस्कवरी की होती है कोई न्यू टर्म जो आई होती है इन द फील्ड ऑफ साइंस उसके बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है तो आज की क्लास में भी हम जो है जो मेन जो चीज़ें इन्होंने डिस्कवर uh, की हैं तो उसके बारे में देखेंगे जो uh, दो तीन जो टर्म्स हैं जो मेन उसके बारे में देखेंगे और किस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला है उसके बारे में देखेंगे उसके अलावा ये जो क्लास है ये आपकी साइंस एंड टेक्स से रिलेटेड है तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं तो द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू वॉज अवार्डेड टू तीन लोगों को मिला है ये अवार्ड जॉन एफ क्लॉजर अल एस्पेक्ट और एंटन जिंगलर ठीक है तो इनको जो है नोबेल प्राइज मिला है किसकी वजह से इन द फॉर द वर्क इन क्वांटम मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स में इन्होंने काम किया है तो उसकी वजह से इनको जो है 2022 का जो फिजिक्स की फील्ड में जो नोबेल प्राइज जो है वो इन तीनों को दिया गया है दो का जो नोबेल प्राइज जो था फिजिक्स में वो मिला था इनको यूकारो मनाबे और क्लाउस हेजलमैन को ठीक है तो इन्होंने जो था क्लाइमेट मॉडल के ऊपर रिसर्च की थी और उसके अलावा इनको भी मिला था जॉर्जियो पारीसी को फॉर देयर वर्क इन फॉर हिज वर्क इन इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फ्लक्चुएशंस इन फिजिकल सिस्टम दो हजार इक्कीस का नोबल प्राइज़ इनको मिला था और दो हजार बाईस वाला इनको मिला है <coughs> नेक्स्ट देखते हैं कि इनको जो है क्यों जो है नोबेल प्राइज जो इनको मिला हुआ है तो सबसे मिला है क्यों क्योंकि जो आ, आप जो देखते हो कि ये जो जो मैकेनिक्स है इसकी जो ये फिजिक्स की ब्रांच है जो डील करती है मूवमेंट और इंटरेक्शन ऑफ वेरियस बॉडीज मैकेनिक्स हैज टू पार्ट्स इसके दो पार्ट्स होते हैं क्लासिकल मैकेनिक और दूसरी क्वांटम मैकेनिक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स object, के साथ डील करती है और जो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये जो माइक्रो स्कोपिक जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे आपके एटम्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स हो गए फोटॉन्स हो गए इनके साथ जो है ये किस तरीके से जो है सब मोलिकुलर रेल में किस तरीके से ये बिहेव करेंगे उसके बारे में ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये उसके बारे में डील करता है उसके साथ डील करता है उसके अलावा इसमें एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट तो ये जो तीनों लोग हैं इन्होंने कंसेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट को ही थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश की है मतलब काफी हद तक इन्होंने सुलझाया नहीं है उसको लेकिन उन्होंने जो है जो बाकी साइंटिस्ट जो थे अभी तक अभी तक ना इनको जो है एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी कि ये जो है ये जो आपके क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये किस तरीके से डील करता है या क्वांटम जो फोटॉन्स जो होते हैं ये किस तरीके से बिहेव करते हैं तो ये जो था ये कंसेप्ट ऑफ इंटेंगलमेंट जो था ये बिखरा हुआ कंसेप्ट था ठीक है मतलब कुछ साइंटिस्ट जो थे किसी और डायरेक्शन में आ, आ, रिसर्च कर रहे थे और कुछ साइंटिस्ट जो थे किसी और डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे तो उनको जो है एक डायरेक्शन जो है इनकी जो स्टडी है उसने एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा दी है तो वो क्या डायरेक्शन है किस तरीके से उन्होंने डायरेक्शन प्रोवाइड करवाई है उसी वजह से इनको जो है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर, करके जो है जो प्रूफ्स दिए हैं उसी वजह से इनको जो है इस साल का नोबेल प्राइज जो है इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में कह लो या क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से इनको जो जो इस साल का नोबेल प्राइज जो है वो मिला है तो अभी देखते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या चीज है क्वांटम इंटेंगलमेंट इज अ बाय व्हिच पेयर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर अलाउड टू एग्जिस्ट इन अ शेयर्ड स्टेट वेयर दे हैव बीन वेयर दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज सच एज बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन पार्टिकल वन कैन ऑटोमेटिकली नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर पार्टिकल ठीक है तो ये चीज जो है इसको इस तरीके से समझो कि मान लो एक पेन है आपके पास उससे पहले ये समझ लो ये जो सारी जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन uh, दी थी जिसको मैथमेटिकल इनइक्वालिटी कहा जाता है या फिर बेल्स इन भी कहा जाता है विच स्टेट दैट इफ देयर आर हायर हिडन वेरिएबल्स द को रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट विल नेवर बी एक्सीड अटन वैल्यू ठीक है तो उन्होंने ये बात बोली थी अब जो क्वांटम इंटेंगलमेंट है और जो बेल इन है उसको मैं आपको एक एक साथ समझाता हूं जो क्वांटल एंटेंगलमेंट है वो क्या बात कर रही थी आपकी कि वो कह रही थी कि इफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स अलाउड टू एग्जिस्ट इन अ शेयर स्टेट ठीक है अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है उनको अलाउ किया जाए कि वो एग्जिस्ट करें शेयर uh, स्टेट में वेयर दे हैव कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज सच दैट बाय मेजरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ वन पार्टिकल वन कैन ऑटोमेटिकली नो द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर पार्टिकल ठीक है अगर हमें ए, एक, uh, एक, uh, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है अगर हम उसे शेयर स्टेट में जो है एग्जिस्ट करवाएं तो उससे क्या होगा कि अगर हम एक एक जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टीज को अगर हम मेजर कर सकते हैं तो उसी से ऑटोमेटिकली हम जो दूसरा पार्टिकल जो है उसकी प्रॉपर्टीज को भी हम मेजर कर सकते हैं ये जान सकते हैं उसके बारे में और ये किसके थ्रू होगा मैथमेटिकल uh, इनइालिटी के थ्रू होगा ठीक है तब तो मान लो आपका एक पेन है यहां पे ठीक है तो एक पेन है तो इसका ये किससे बना होगा ये एटम से बना होगा ठीक है तो सारे एटम्स कलेक्ट होके ये क्या करते हैं ये बना देते हैं एक पेन ठीक है तो एक यूनिट बना देते हैं अब मान लो हम इस पेन को बीच से तोड़ देते हैं ठीक है बीच से तोड़ दिया तो जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी यहां पे होगी मतलब सेम एटम से बना है ये तो उन्हीं पार्टिकल की प्रॉपर्टीज जो है वो यहां पे होगी ठीक है तो ये चीज क्या करती है ये चीज बेसिकली है आपकी ये क्वांटम इंटेंगलमेंट ठीक है अब इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं तो अब अब ये जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने क्या किया कि मान लो एक चीज है ठीक है मान लो यहां पे एक बॉल है ठीक है बॉल ए मान लेते हैं ठीक है ठीके? ये कहां पे ये है दिल्ली में ठीक है ये दिल्ली में है एक और बॉल है ठीक है ये है बॉल बी ठीक है दोनों सेम पार्टिकल से बनी है बॉल बी लेकिन इसका कलर है मान लो रेड है और इसका कलर है येलो ठीक है और ये बॉल जो है ये पड़ी हुई है आपकी न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में तो अब जो है जो क्वांटम फिजिक्स जो थी वो कह रही थी यहां पे हमने एक हिडन वेरिएबल्स की बात की थी ना ये देखो हिडन वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो थे आपके जो साइंटिस्ट जो थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे अब उससे होता क्या था कि हमें जो है ए बॉल्स ए बॉल की जो प्रॉपर्टीज जो है और बी बॉल की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है ठीक है तो हम ए बॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम डिस्कवर कर लेते हैं तो उससे हमें बी बॉल की जो प्रॉपर्टीज जो थी उसके बारे में हम डिस्कवरी कर सकते थे ठीक है लेकिन अभी तक जो है साइंटिस्ट को यह लगता था कि इसके बीच में कुछ हिडन वेरिएबल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से हमें बी बॉल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो है है ये है ठीक तो जो 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 चीज 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 इस इस को को हिडन वेरिएबल्स डायरेक्शन दी तीनों साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवा के डायरेक्शन दी है कि अगर हमारे पास ए बॉल की इंफॉर्मेशन है तो हम ऑटोमेटिकली जो बी बॉल की इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं तो ये जो सारे जो एक्सपेरिमेंट किए हैं इन तीनों

टेलीपोर्टेशन किस तरीके से मान लो हमें ये देखो न्यू दिल्ली में जो एक बॉल पड़ी थी ठीक है तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी आ, उसकी इंफॉर्मेशन से हम जो न्यूयॉर्क में बॉल पड़ी हुई है उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन ले रहे थे ठीक है और ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू लेके बताई है इन दोनों साइंटिस्ट ने तो इस वजह से इनको जो है नोबल प्राइज वो मिला अब इस वजह से क्या होगा कि ये जो एक तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपके ये जो साइंटिस्ट है उनको डायरेक्शन मिल गई कि हाँ हमें इस तरीके से बिहेव करना है क्योंकि उन्हें पहले यही नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो हिडन फोर्सेस हैं वो क्या चीज हैं ठीक है ठीके? तो उन्होंने हिडन जो ये जो हिडन वेरिएबल्स हैं उन्हें लगता था पहले कोई हिडन फोर्स है जिस वजह से हमें ये जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाती है लेकिन इन्होंने ये जो है एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर कर दिया कि उनके जो ये है उनके जो एटम्स जो है उनकी क्योंकि प्रॉपर्टीज सेम है और प्रॉपर्टी सेम होने की वजह से हमें जो है आ, ये आ, ये बेसिकली प्रॉपर्टी सेम वाली बात यहां पे होती है क्वांटम इंटेंगलमेंट में तो वो कहते हैं कि क्वांटम इंटेंगलमेंट की वजह से हमें जो है ये एक बॉल से दूसरी बॉल की जो है प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां पे कोई भी हिडन वेरिएबल्स है हिडन वेरिएबल्स नहीं है असल में जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर है ठीक है तो इस वजह से इन तीनों को जो है वो प्राइज मिला है नोबल प्राइज मिला है। अब इससे इनका ये कहना है कि इससे ये जो टेलीपोर्ट की जो साइंस है उस, उसमें भी जो है हम वर्क कर सकते हैं तो टेलीपोर्टेशन की साइंस आपको पता है कि अगर हम जो है एक इंसान को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पलक झप झपकते ही अगर किसी को मूव करवाना हो तो उस चीज को टेलीपोर्टेशन कहते हैं उसके अलावा इस वजह से और क्या होगा कि जो हमारे जो आ, जो हम कम्युनिकेशन करते हैं जैसे कि आप नॉर्मल कंप्यूटर में कम्युनिकेशन करते हो तो वहां पे जो हैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसका यूज करेंगे तो उस वजह से क्या होगा कि आपके जो हैकिंग के चांस जो है वो कम हो जाएंगे तो इस वजह से ये जो है फ्यूचर में काफी हेल्पफुल जो है वो साबित हो सकता है और हो सकता है कि नियर फ्यूचर जो है नियर फ्यूचर नहीं मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में जो है हम ये जो टेलीपोर्टेशन जो है इसको भी अचीव कर सकते हैं तो आज की जो हमारी क्लास थी वो जो हमारा जो फिजिक्स में जो आपको नोबल प्राइज मिला है तीन लोगों को उसके बारे में थी किस वजह से नोबल प्राइज मिला है क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या चीज होती है और बेल बेल इनक्वालिटी क्या चीज थी वो भी आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और उसके अलावा जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहां पर भी इसके जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हैंगे. हमारे ग्रुप्स में ऐड होने के लिए आप जो स्क्रीन पे हुआ नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में अगर जानना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हो उसके अलावा हमारी जो क्लास थी वो यहीं तक थी थैंक यू